तो गाइस, मैं ट्रेन लवर आपका दोस्त आ चुका हूँ अगेन एक और न्यू वीडियो के साथ। तो भाई यार, इस वीडियो में चला रहे हैं यार वैगन 9 रेड वाला है भाई, जो रेड रेड रहता है ना, एकदम रेयर वो वाला। और एक डिब्बा गाड़ी, मतलब हिंदी में डिब्बा ही गाड़ी समझो यार, अब गंवार लोग डिब्बा ही बोलते हैं, तो हम भी गंवार हैं, हम भी डिब्बा ही बोल रहे हैं। तो वो चला रहे हैं ब्लू वाली कोचेस, ICF ब्लू। और भाई साहब, टाटा नगर से हम निकल रहे हैं और ये बगल में देखो कितनी बड़ी चिमनी लगी है भाई, जैसा लग रहा है फैक्ट्री हो। और भाई सिग्नल व्यू जो होता है ना भाई, एकदम ओपी होता है भाई, ये ओपी भाई, पेंटोग्राफ पीला पीला, चलो हाँ वो तो होता ही है। और भाई एकदम ओपी व्यू मिल रहा भाई, एकदम ओपी भाई। ट्रैक चेंज हमारा हो चुका है यहाँ से, और भाई हम ऑर्बिट व्यू कर लेते हैं ताकि विच अच्छे से दिखे हमें, जो स्लाइड व्यू हो गया यार। तो ऑर्बिट व्यू हमने कर लिया यहाँ पे ट्रेन से, और हमें भुवनेश्वर जाना है भाई। भुवनेश्वर है 2000 किलोमीटर, मतलब मीटर है यार, 2000 किलोमीटर कहाँ से हो जाएगा। तो भुवनेश्वर हमारा 2000 मीटर की दूरी पर है, और हम भुवनेश्वर पहुँचने ही वाले हैं, मतलब पहुँचने कहाँ वाले हैं यार, आधा ही है भाई, अभी अभी आधे से भी आधा हुआ है भाई साहब। मैं नशे में हूँ यार आज, क्या बताऊँ भाई इस नशे को, मतलब क्या ही बताया, मैं सस्ते नशे करके बैठा लग रहा मैं तो आज, है नहीं तो आज ये भी मैं भाई। भाई पीछे से भाई ट्रैक साउंड जो आती है ना भाई, ICF कोचेस की क्या ही ओपी आती है, एकदम मज़े ही आ जाते भाई, एकदम ओपी वाले मज़े। बगल में भाई कोई छोटा सा तालाब टाइप का है, जो पानी यानी भरा है उसमें, और बगल में उस और इस साइड राइट साइड में पहाड़ हैं बहुत सारे। और भाई साहब ये देखो व्यू, सिग्नल व्यू क्या ही रफ्तार में निकली भाई, अपनी अपनी ट्रेन क्या ही रफ्तार में निकली, एकदम मज़े ही आ गए भाई, एकदम क्या ही बताएं भाई, मतलब मज़े ही आ जाते हैं जब सिग्नल व्यू से कोई ट्रेन देखो ना, जैसे कहीं खड़े हो जाते हैं जैसे रियल में, तो रियल में जो कोई रियल वाली ट्रेन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है भाई, बहुत ज़्यादा ओपी लगती है, ऐसे ही घूम के देखो ओपी एकदम। और भाई साहब ट्रैक साउंड, और भाई लोको साउंड हॉन्किंग करते जो गया है ना, क्या मज़े ही आ जाते हैं भाई। और ये देखो बड़ा सा फिर से तालाब आ गया कोई गोल गोल, तो ट्रैक को भी गोली कर दी है भाई इन लोगों ने, अजीब ही है भाई, कुछ भी पुल बना देते यार छोटा सा, मज़े आ जाते थोड़े। चलो कोई बात नहीं, वो सब तो छोटी छोटी बातें हैं, चलता रहता है। और भाई साहब 120 की स्पीड हम आ चुके हैं कैब व्यू के अंदर भाई, लेकिन यहाँ पे कोई कांटा वाटा नहीं हिल रहा यार, जैसे वेब 5 मिलता है ना, यहाँ पे कांटा वाटा नहीं हिल रहा भाई, देखो बिल्कुल कोई कांटा ही नहीं है। मैं बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा था भाई, कांटा मिल जाए कांटा मिल जाए, कोई किलोमीटर वाला कांटा ही नहीं है, कितने की स्पीड चल रही वाला कांटा ही का है मैं यहाँ से। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है भाई। आ जाते हैं हम अपने दोबारा ऑर्बिट व्यू में, और हमारा स्टेशन आ चुका है भुवनेश्वर, बहुत ही पास है हम स्टेशन के, 250 मीटर की दूरी पर है। और भाई स्लो कर लेते हैं ट्रेन को, 50 की लिमिट है, हम 44 की स्पीड में चल रहे हैं, 45-44 ऐसे ही चल रहे हैं। और भाई ट्रैक हमारे अंदर जा रहा है, मतलब क्या ही बताएं, ऐसा होता है ना, ऐसे ही सोचते ना हम लोग जब छोटे थे, ऐसे ट्रैक हमारे अंदर जा रहा है, वैसे ही वाला सिस्टम चल रहा है भाई यहाँ पे। कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ चुके हैं भुवनेश्वर के, और भाई बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो भाई जिसको वीडियो अच्छी लगी वीडियो ज़रूर लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे लाल लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा लेना। हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।